हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं चाक पट्टी बनाना सेट की। ये आस्तीन की चाक पट्टी है दोस्तों, किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके लिए दोस्तों इस तरह से कटिंग की हुई आस्तीन रखी होंगी, तो मैं किस तरह से बनाना है देखिए दोस्तों। ये चाक पट्टी मैंने चिपका ली है और इन्हें एक दूसरे के सामने रखना है बिल्कुल इस तरह से। देखिए ऐसा ना हो कि एक हाथ की बन जाए दोनों, तो इसलिए आमने सामने रख कर ही हमें पेस्टिंग करनी होती है। और उसके बाद दोस्तों ये आस्तीन डबल हैं, तो इसमें से एक आस्तीन को हम हटा लेंगे और दूसरी आस्तीन को इस तरह से चाक पट्टी रखेंगे दूसरी आस्तीन के ऊपर से, यहाँ से और यहाँ तक दोस्तों मिलाकर हमें सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। इस तरह से हमें दबाव लेते हुए सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से दोस्तों इस वाले पल्ले को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। और इसी तरह से दूसरी आस्तीन को इसके सामने से बिल्कुल बनाना है दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से दोस्तों एक दूसरे के सामने रखकर ही चाक पट्टी बनानी है चाहिए ताकि उल्टी ना हो दोस्तों। तो इस तरह से हम एक दूसरे के सामने रखकर चाक पट्टी को बनाएंगे और दूसरी इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर से इस तरह से अटैच कर देंगे इसको भी यहां से। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों और उसके बाद यहां से अलग करेंगे और इसे सीधा करेंगे इस तरह से, और जो बढ़ती चाक पट्टी है उसे हम कट कर देंगे यहां से इस तरह से सीधा करके, और इस तरह से यहां से लपकी सिलाई लगाएंगे। नीचे वाला कपड़ा जो है वो हमें तंग रखना है चाक पट्टी का, इस तरह से पीछे हाथ लगाकर सिलाई लगा लेनी है। यहां से हमें टाका मारना है दोस्तों इस तरह से, और इसे बिल्कुल लपकी सिलाई लगाते हुए सिलाई को अटैच कर देना है चाक पट्टी को इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ से सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और ये एक आस्तीन की चाक पट्टी बन चुकी है दोस्तों। इसी तरह से दूसरी को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये बढ़ती कपड़ा है चाक पट्टी का, तो इसे हम यहाँ से कट करेंगे और इसे सीधा करेंगे इस तरह से, और इस पर भी हम लपकी सिलाई लगाएंगे और सेम टाका हमें लगाना है जैसे कि हमने उस आस्तीन में चाक पट्टी के ऊपर जो सिलाई लगाई थी सेम उसी तरह से हमें इस पर भी लगा लेनी है। यहाँ से हम एक टाका बांधेंगे इस तरह से, और दोस्तों नोक पर ही सिलाई रोकनी होती है तो अच्छे से रोकेंगे इस तरह से, और नीचे वाले पल्ले को हटा लेना है इस तरह से, और उसके बाद सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। चाक पट्टी हमने बना ली है दोस्तों। बनने के बाद देखिए दोस्तों एक दूसरे के सामने रखेंगे ताकि पता चले कि उल्टा नहीं बना है कोई भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आस्तीन की तरह दोनों बन जाएं, तो इसलिए हमें आमने सामने रखना होता है, इस तरह से देखना होता है कि दोनों अलग बनी हुई है। देखिए दोस्तों बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और एक दूसरे के सामने बिल्कुल फिक्स आ रही हैं, तो इस तरह से चाक पट्टी बना सकते हैं दोस्तों। चाक पट्टी बनाना अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।